नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बॉलीवुड के रुपहले पर्दे पर छाकर हर किसी को अपनी अदाकारी का कायल करने वाले प्रदीप नागर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। पश्चिमी यूपी में अपराध को खत्म करने के लिए आईपीएस नवनीत सिकरा पर बनी वेब सीरीज में प्रदीप ने अपने अभिनय से फिल्म जगत में भोकाल दिखाया। भोकाल वेब सीरीज में उन्होंने पिंटू टेडा के नाम से विलन की दमदार भूमिका निभाई है। और इसके अलावा प्रदीप नागर ने डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे में भी अपनी एक्टिंग का लोहा वो मनवा चुके हैं। न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए प्रदीप नागर ने फिल्मी दुनिया, वेब सीरीज और आज के सिनेमा सिनेरियो पर खुलकर अपने विचार रखे। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा से प्रदीप नागर की खास बातचीत आप भी सुनिए। मेरे साथ मौजूद है फिल्म अभिनेता प्रदीप नागर, जिन्होंने हाईवे फिल्म से डेब्यू किया और भोकाल वेब सीरीज से सुपरहिट रहे और किरदार पिंटू डेढ़ा के नाम से आज युवाओं में बड़े चर्चित हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ इंडिया के कार्यालय में। उनसे जानते हैं वो राजस्थान किस लिए आए। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। आपका राजस्थान दौरा कैसा रहा और किस लिए आप आए? सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। एंड राजस्थान से पुराना नाता है। राजस्थान से जब मेरे जीवन की पहली फिल्म थी जो इम्तियाज़ साहब ने डायरेक्ट करी थी हाईवे, सो वो मैंने पहला अपने जीवन का जो शॉट दिया था वो सांभर झील नमक फैक्ट्री में दिया था। तो पुराना नाता है, खाने का मालपुआ खाया था, आज तक टेस्ट नहीं भूल पाते हैं। और कुछ मित्र हैं मेरे, यहाँ अलवर में हैं और जयपुर में हैं। सो अभी जो यहाँ आना हुआ है सर मेरा, यहाँ पर मैं कुछ एक अपनी कंपनी खोली है मैंने, सुमन टॉकीज़, जिससे हम लोग 6 से 7 वेब सीरीज़ बना रहे हैं अभी। तो उसकी लोकेशन देखने के लिए और कुछ गाने मैंने प्रोड्यूस किए हैं अभी, तो कुछ गानों की लोकेशन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, बात करें वेब सीरीज़ की, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भोकाल के बाद, और आपकी कौन कौन सी वेब सीरीज़ आने वाली है? सर अभी भोकाल 2 आ रहा है सबसे पहले, तो उसके बाद में कुछ 2-3 नाम है जो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, बट 3 से 5 के आसपास मेरी वेब सीरीज नेक्स्ट ईयर आ रही हैं जो अंडर प्रोडक्शन है। 3 में मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ और 2 में मैं एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। तो ये आ रही है। युवाओं को संदेश आप किस रिगार्डिंग चाहते हैं? नहीं, जो वेब सीरीज में आज अश्लीलता दिखाई जाती है, क्राइम दिखाया जाता है, उसको लेकर प्रदीप नागर क्या कहेगा और पिंटू डेढ़ा क्या कहेगा? नहीं, पिंटू डेढ़ा तो हो सकता है बहुत कुछ कह दे, बट प्रदीप नागर जो मैंने वो किरदार किया है भाई, तो कुछ भी मतलब वेब सीरीज में जो आप देख रहे हैं मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, समाज में नहीं हो रहा है। तो मैं वो एक बहुत फेमस राइटर हैं मंटो साहब, तो हमेशा कहते थे उनको, हर स्टोरी जैसे लिखते थे तो वो कटघरे में जाते थे तो वहाँ खड़े होकर जैसे आपके सामने एक ही बात कहते, देखिए साहब मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कलम उठाता हूँ और वो लिखता हूँ जो समाज में हो रहा है। तो अगर आपको अपना ही मतलब सिनेमा तो आईना है, हम लोग आपको आईना दिखा रहे हैं सिर्फ, आपको अपनी ही की हुई करतूतें देखने में अगर डर लग रहा है या बुरा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वो ना करें, क्योंकि हम तो सच दिखा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रदीप, युवा आजकल फिल्म इंडस्ट्री की ओर बहुत रुझान रखते हैं, आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे? उनको सर मैं यही सजेशन दूंगा कि वो पहले 3 साल एटलीस्ट थिएटर करके आए, डिक्शन क्लियर करके आए, और शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट अगर है तो शॉर्ट टाइम के लिए है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। ये थे प्रदीप नागर जो कह रहे हैं शॉर्टकट नहीं होता है और बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। कैमरामैन लव कुमार के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।